मेरे प्यारे दोस्तों, मुंबई पुलिस को लेकर पिछले साल से अभी तक बहुत सारी बातें हुई हैं, जिसमें ही लाखों की तादाद में लोगों ने मुंबई पुलिस को सीरियसली करप्ट भी बताया है। मुंबई पुलिस के ऊपर ढेरों एलिगेशंस भी लगाए गए हैं, और तो और एनआईए ने तो एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी की पूरी वॉट ही लगाकर छोड़ दी है, जिसमें पता लगा है कि यही कुछ पुलिस वाले गैंगस्टर्स से कम नहीं है। ये फिरौती भी लेते हैं, यही पुलिस वाले मर्डर्स भी करते हैं, यही पुलिस वाले बॉम्ब प्लांट भी करते हैं, हत्या को सुसाइड भी बताते हैं, एविडेंसेस को बड़ी सफाई से डिस्ट्रॉय भी करते हैं। 1.25 साल पहले तक जिस मुंबई पुलिस को स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस बताया जाता था, सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद से उसी मुंबई पुलिस के ऊपर अब जाकर ऐसे ऐसे दाग लग चुके हैं जो कि मिटाए भी नहीं मिटने वाले हैं। अब ऐसे में ही एक आर्टिकल भी छपा है, सिद्धार्थ शुक्ला डाइज, मुंबई पुलिस बीइंग एक्स्ट्रा केयरफुल आफ्टर सुशांत सिंह राजपूत डेथ। अब यहां देखिए दोस्तों, मुंबई पुलिस इज बीइंग केयरफुल इन हैंडलिंग सिद्धार्थ शुक्ला डेथ केस आफ्टर द एलिगेशंस दैट दे हैड टू फेस ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सुशांत सिंह राजपूत डेथ लास्ट ईयर। अब एलिगेशंस क्या क्या लगे थे कि मुंबई पुलिस ने सारे सबूत मिटा दिए, सुशांत सिंह राजपूत का कमरा अंदर से पूरे तरीके से वाइट वॉश करवा के फर्नीचर सब कुछ बदलवा दिए, सुशांत सिंह राजपूत और उससे पहले दिशा सालियान के भी मर्डर को मुंबई पुलिस ने सुसाइड बता दिया, रिया चक्रवर्ती समेत सभी एक्यूज्ड को मुंबई पुलिस द्वारा सेफ जोन में रखा गया, यहां तक कि उस वक्त के पुलिस कमिश्नर यानी कि परमबीर सिंह और उसी के साथी सचिन वाजे के ऊपर भी मर्डर और एक्सटॉर्शन के कितने सीरियस चार्जेस लगाए गए ये भी आप सभी को पता होगा। इन्हीं लोगों द्वारा रिपब्लिक टीवी और अर्णब गोस्वामी समेत प्रदीप भंडारी की भी किस कदर आवाज दबाने के लिए जो भी हरकतें करी गई वो भी हम सभी ने देखा। अब ऐसे में बहुत सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं कि कैसे भी करके मुंबई पुलिस की बिगड़ी हुई छवि को सुधारा जा सके। आप सभी को क्या लगता है, क्या ये छवि कभी सुधर पाएगी? इस पूरे मुद्दे पर आपके जो भी विचार होंगे, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए नहीं हैं तो जुड़कर हमारी आवाज़ और बुलंद करें। मैं मिलूंगा आप सबसे बहुत ही जल्द अगली वीडियो में और एक नए अपडेट के साथ।